तुड़ाई का जो कार्यक्रम है, बहन 21 दिन का उपवास किया था, मंगरी इब्राहिम उसको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धर्मेश चलायो से ही कामना करते हैं कि उनको इतना शक्ति दे कि हमारा समाज एकजुट रहे और हम लोग एकजुट बन के रहें। तो सरना प्रार्थना सभा हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सरना प्रार्थना सभा में सभी कोई आए हुए हैं। सरना क्या चीज है इसको भी हम सभी को जानना अति आवश्यक है। सरना कहने से सरना नहीं हो जाता है, सरना का सेवा करने से ही सरना होता है। सरना का अर्थ होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक वही प्रकृति का जो पुजारी होता है वो सबसे बड़ा पुजारी होता है। प्राकृति के बिना हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राकृति से ही हम लोग जिंदा रहते हैं और प्राकृति का ही आदिवासी समाज उसको पूजा करता है। प्राकृति का मतलब होता है एकदम वास्तविक चीज, एकदम वास्तविक चीज, उसमें किसी प्रकार का कोई तरह का मिलावट नहीं होता है। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, माने वास्तविक चीज, जैसे पेड़ पौधा नदी नाला जल अग्नि आग धरती आकाश गगन, यही सब प्राकृतिक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावटी नहीं रहता है। लेकिन और सब में चीज को देखा जाए तो उसमें आपको बहुत बड़ा श्रृंगार पतार किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक जो है वो हमेशा धरती से ही पैदा लेता है, इसीलिए हम सभी लोग ने धरती माँ को सरना माँ कहा है और सूरज माँ को धर्मेश सिंह भोंगा कहा है। हम लोग धर्मेश सिंह भोंगा सूरज देव को कहते हैं और धरती को सरना माँ कहते हैं, क्योंकि सरना धरती माँ से ही हम सभी लोग का पेट पलता है, अन्न यहीं से होता है, जितने भी खाने पीने का जितना भी उपज होता है वो धरती माँ ही करता है। और सिंह धर्मेश और सिंह भोंगा जो कहते हैं तो सूरज धरती और सूरज का मिलान होता है तब जाके यहाँ पे फसल उगता है। तो हम लोग उसी का पूजा करते हैं और उसी का हम लोग गुणगान करते हैं। तो प्राकृति का पूजा जो करता है और जो प्राकृति का जो पुजारी है वो बहुत बड़ा पुजारी होता है। और आज जो हम लोग जो बहन को 21 दिन का उपवास जो मिला था ये मजाक बात नहीं है, ये मजाक बात नहीं है कि 21 दिन अगर बिना खाए पिए अगर कोई उपवास रहता है तो सोचिए अगर एक घंटा आप खाना नहीं खाते हैं चाहे आधा घंटा खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा कैसा लगता है, लगता है कि किसी का खून कर दें। अगर मान लीजिए कि आप ड्यूटी और स्कूल से आप घर जाते हैं और घर में आपका माँ बहन जो भी है बोल देता है कि आज भात खत्म हो गए तो आप लोग हड़िया डेक्ची को पटकने लगते हैं। आप सोचिए वो बहन 21 दिन से उपास थी और यहाँ पर विराजमान थी, यहाँ पर बैठी हुई थी, आराधना करती थी और 21 दिन के बाद आज उसका उपवास तोड़ा हुआ। सोचिए कि कोई वरदान और शक्ति है तब तो अपना दिन ये टिक पाया, नहीं तो आधा घंटा या घंटा भी लोग टिक नहीं पाता है। तो ये सरना माँ का शक्ति है और सरना माँ का शक्ति को हम लोगों को मैंने झुठलाना नहीं है और इसको हम लोग कभी भी हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि धर्म हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसमें जितने भी हैं सभी धर्मों का आदर करते हैं और आदर करते हैं, उसका नमन करते हैं, उसका हम लोग चरण छूते हैं। लेकिन हमारा भी प्राकृतिक है, हम लोग प्राकृति का पुजारी कहलाते हैं और प्राकृति का पूजा करते हैं, तो हम भी इसको सम्मान देते हैं और इनका पूजा करते हैं। हम लोग एक व्यक्ति के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम लोग किसी विशेष समुदाय के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम लोग पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य का धरती में है
सबके लिए हम लोग पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए पूजा नहीं करते हैं। इस वक्त हम लोगों का यही हम लोगों का सीख है।